नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सुपर सिटीजन नहीं है सांसद, विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा। विमानों में विशेष सुविधाओं की मांग करने वाले सांसदों को गुरुवार को नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने साफ शब्दों में कह दिया कि सांसद सुपर सिटीजन यानी विशिष्ट नागरिक नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एयर इंडिया के विमानों में यात्रियों का उन्नयन उच्च स्तर में किए जाने संबंधी सवाल करते हुए एक सदस्य ने शिकायत जताई कि एयर इंडिया के विमान की उड़ान छूटने या किन्हीं अन्य कारणों के चलते जब सांसदों को दूसरी एयरलाइनों के विमानों की सेवा लेना पड़ती है तो उनके प्रबंधक सांसदों को पहचानते नहीं। सांसदों को महत्व नहीं दिया जाता है। इस पर मंत्री ने कहा कि सांसद कोई सुपर सिटीजन नहीं है, लेकिन सांसदों का सम्मान बनाए रखने के लिए सरकार ये सभी कदम उठाएगी जो व्यावहारिक रूप से संभव है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, सवालों के छोटे जवाब दें मंत्री। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गुरुवार को सदन में कहा कि प्रश्नकाल में मंत्रियों को संक्षिप्त जवाब देने चाहिए ताकि अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर मिल सके। सदन में प्रश्नकाल के दौरान जब ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल तापीय विद्युत संयंत्रों में पानी की कमी से संबंधित प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे रहे थे तो सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने लंबे जवाब पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रश्नकाल में हां या ना में जवाब होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। इससे सहमति जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने पीयूष गोयल से कहा कि आप युवा और ऊर्जावान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको संक्षिप्त उत्तर देने चाहिए। कांग्रेस का सवाल, स्वामी को कैसे मिले संवेदनशील दस्तावेज। कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल किया कि बुधवार को सदन में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्रालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जिन गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का संदर्भ दिया था, वे दस्तावेज उन्हें कैसे हासिल हुए। व्यवस्था के प्रश्न के तहत मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि सदन को यह बताया जाना चाहिए कि इन दस्तावेजों का हवाला देने वाले स्वामी की उन दस्तावेजों तक पहुंच कैसे हुई जिन्हें उन्होंने सत्यापित कराने और सदन के पटल पर रखने से इनकार कर दिया था। हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा बेलगाम। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की प्रबल दावेदार हिलरी क्लिंटन ने उन्हें बेलगाम बताते हुए कहा है कि देश उनके साथ जोखिम नहीं ले सकता। ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार बनने के संकेत मिल जाने के बाद हिलरी ने उनके खिलाफ अपना पहला वार किया। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिमों का अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित करने और अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का अपना रुख दोहराया है। जेटली बोले, अच्छे मानसून से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। अच्छे मानसून की भविष्यवाणी साकार होने पर देश की आर्थिक वृद्धि दर में और तेजी आने की उम्मीद व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि विश्व भर में छाई मंदी के बावजूद भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तथा सरकार ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार सृजन को बढ़ाने और मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने को प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने लोकसभा में कहा कि 2014-15 में हमारी वृद्धि दर 7.2% थी और 2015-16 में यह 7.6% रही। हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विश्व की तुलना में हम सबसे आगे हैं, लेकिन हम स्वयं मानते हैं कि हम में और अधिक क्षमता है। ये थी अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।